सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली वी आर लिविंग फॉर केदारनाथ एंड अराउंड 4:30-4:45 पे निकले थे। सो राइट नाउ वी आर ऑन गाजियाबाद रोड एंड इस टाइम पे पिच डार्क है अभी फिलहाल। सो टारगेट आज का सोनप्रयाग पहुंचने का है, बाकी देखते हैं। अभी हरिद्वार का डाला तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 8:40। सो आगे ब्रेक वगैरह लेके तो तब मिलते हैं, बाकी तब तक रोड्स वगैरह एंजॉय करो। सो अभी चेक करें, लाइट ही नहीं आ रही थी, बट कोई नहीं, देखते रहो। टाइम हो रहा है 6:09 एंड परांठे खोल लिए हमने, और अब थोड़ी देर में गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि भाई को हल्की सी झपकी आ रही है, तो ड्राइव के बाद मिलते हैं। और ये हमारे घर से परांठे भाई बने हुए आए थे, तो एक एक परांठा खा लेते हैं। 6 बजे पहली बार इतनी जल्दी परांठे खा रहा हूँ। एक एक खा के चलते हैं भाई, ताकि एसिडिटी ना हो। सो मिलते हैं फिर बाद में खाने द्वारा। अच्छा पड़ा होगा, कितना डाल, थोड़ा सा डाल ले। सो गाइस, करंट सिचुएशन इज 8:00 एंड 221 किलोमीटर आ चुके हैं, और हरिद्वार हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। टोल प्लाजा के बाद पूरा हरिद्वार है, तो सॉरी 4:30-5:00 निकले थे, तो सही है 3-3.5 घंटे में हरिद्वार पहुँच ही गए और अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। सो अब ऋषिकेश पहुँचते सीधा सोनप्रयाग को निकल लेंगे, एंड अभी पता नहीं चढ़ाई आज स्टार्ट होगी या कब, बट खैर जब भी होगी तो वो बता ही देगा आपको, तो बने रहना। और वीडियो में ज़्यादा शूट कर नहीं पा रहा क्योंकि भाई बड़ा बैठा है, तो थोड़ा यू नो, कहते हैं कि भाई मत यूज़ करो फ़ोन चलाते हुए गाड़ी, तो ठीक है, हर एक का मान रखना चाहिए। हरिद्वार तो पूरा क्रॉस हो गया है, बस ऋषिकेश की चढ़ाई शुरू। जाम भी मिल गया भाई पूरा। किलोमीटर कितना हो गया, 250, एवरेज भी 18 की आ रही है। सो गाइज, हम ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं एंड अब श्रीनगर की तरफ निकल रहे हैं, और मौसम वेदर अच्छा हो चुका है काफ़ी, देख लो चढ़ाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक है आगे थोड़ा जाम, बट कोई नहीं, निकल जाएगा इससे भी। बाकी अपडेट देता रहूँगा आपको। टूरिस्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं भाई, देखो ये भी दिल्ली से ही आ गए, अपने टेम्पू भी आ गए। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड देवप्रयाग एंड दोनों रिवर्स का संगम हो रहा है, भागीरथी एंड अलकनंदा। भाई साहब मेसमराइजिंग व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस, गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, पूरा भगाते हुए आराम से ला रहे हैं, एंड रास्ता खाली है इसलिए जाम वाम कुछ मिला नहीं। बाकी वेदर बहुत अच्छा हुआ अपने तक, और अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट इधर रुकेंगे, तो मिलते हैं। ये ढाबे पे ही हमारे साथ रोटी खा रहा था काले वाला, जा रहा है। जाम तो देखे थे पर इतना लंबा जाम नहीं देखा कभी।
सारे लोग उतर के जा रहे हैं गाड़ी से। तो भी निकल लिया क्यों भाई भी चला गया। उत्तराखंड सरकार ईद वाले कुछ कह रहे हो ना। सो गाइस ये पूरा का पूरा भी जाम पड़ा है और हम कुछ कुछ करके गाड़ी आगे तक ले आए हैं। एंड वो देखो जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है ना, ये यहाँ पे यहाँ तक पूरा का पूरा पहाड़ जाम पड़ा है। तो भैया थोड़ी मैगी बनवा ली और चाय पी लेते हैं, इसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सारे नीचे आया बाबा ये। यून के टाइम पे नहीं होगा वरना तो ये हमारे आगे सामने है। पत्थर गिरा था बहुत बड़ा। नहीं पुल गया, अब एक डेढ़ घंटा जाम में खड़े रहते हैं पूरा। ओ बांदरों की वो आ रही है आवाजें, लड़ने पे हैं। नहीं आपने कितने किलोमीटर की चढ़ाई कर ली? तीन घंटे। सारी रोड टूटी टूटी पड़ी है भाई। सो गाइस ये पूरी सोनप्रयाग की मार्केट है। लिमिटेड रूम्स है, लिमिटेड खाने की शॉप्स है, तो देख लो चेकआउट कर लो। ऐसे छोटे छोटे ढाबे हैं और ये ऐसे गेस्ट हाउस कमरे हैं, बेकार बेकार से है बहुत, और रेंट 4,000 है। तो भाई मैनेज करना पड़ेगा एक दिन के लिए तो खैर, बट क्योंकि हम पूरी गाड़ी चला कर आए हैं 500 किलोमीटर तो हमारी आदत थोड़ी ज़्यादा टाइट है, बट स्टिल एवरीवन कैन मैनेज, तो देख लेना। अरे घोड़ा कर ले रोटी लाए इसमें। सो गाइस ये देख लो पूरा रात का माहौल है और ये हमारे होटल का कॉरिडोर है। आवाज़ थोड़ी कम इसलिए आ रही है क्योंकि थोड़े से क्या काफ़ी एल लग चुके हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइटनिंग कनेक्टर का इशू आ चुका है, लिक्विड का कुछ पंगा उसमें कि लिक्विड आ रहा है, और बहुत ट्राई कर लिया बट लेकिन जा नहीं रहा, तो पता नहीं क्या होगा, बैटरी भी नहीं है फ़ोन की। और भाई साहब होटल इतना बेकार है ये कमरा, एंड रेंट इसका 4,000 रुपये है। सामने ये पार्किंग है, दिख रही होगी गाड़ियाँ खड़ी हुई। सो रूम बहुत ही बकवास है, लाइक वर्थ इट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बट वही सीज़न है तो कर भी कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ रूम का। तो यार बहुत ज़्यादा एल लग पड़े, अब करते भाई देखते बाबा के दर्शन, इतना आसान नहीं है, मेहनत मशक्कत बहुत लगेगी। ये 4,000 रुपये में मिला है और फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, देखते जो होगा अच्छा होगा। गुड नाइट बाबा, टेक केयर, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मिलते बाद में।